चालू है, आपको तो मानव जीव विभाग में अनलीगल पुर्ना चालू है बरोबर। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कि ये बिल्डर के साथ में मिलके मिलजुल करते है काम। ये आज जीव विभाग में इतना अनलीगल चालू है, आज के डेट में भी आप जाके देखेंगे ना, सब आशीर्वाद किसे है, कौस्तुक तो मोरे का आशीर्वाद है बिल्डर लोग के ऊपर कि ये सब अनलीगल चल रहे। आज राजौली की घटना देखे आप, राजौली की घटना देखिए आप, दो आदमी की मृत्यु हो गई, तो कौस्तुक तो मोरे पे गुनाह दाखिल क्यों नहीं हुआ? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, एक बड़ी खबर आज सामने आई है वसई विरार महानगर पालिका से, जहां पर वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति जी की सहायक आयुक्त नीलम निजाई और प्रभाग समिति जी के कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर कौस्तुभ तोमरे की बदली ऑर्डर आज निकले हैं। पिछले दिनों 13 जुलाई को वसई के वगरालपाड़ा में जो हादसा हुआ था, उसके बाद लगातार कई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के नेता और पत्रकार लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि क्यों नहीं इनमें कार्यवाही हो रही है। उसी के दबाव में चलते आज वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त ने इन दोनों ही अधिकारियों के तबादले कर दिए। लेकिन क्या ये अधिकारियों के तबादले जो हुए ये कार्यवाही काफी है? यह सवाल अभी बड़ा है, क्योंकि पिछले दिनों पापड़ी में हादसा हुआ था, तब इंजीनियर के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ था। उससे बड़ा यह हादसा है, इसमें दो ऐसे लोग जो निरपराध थे उनकी जान गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। यहां पर पूरी तरह से महानगर पालिका अधिकारियों की निग्लिजेंस है, उसके बावजूद किसी के ऊपर मामला दर्ज नहीं किया गया, गुनाह दर्ज नहीं किया गया। और लगातार यहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग यही है कि इन लोगों के खिलाफ निग्लिजेंस का गुनाह दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं वापस ना हो। कई खुलासे कई लोग कर चुके हैं, मैं भी कई वीडियो इस सब चीजों में डाल चुका हूं, आपने देखे हैं मेरे आगे की वीडियो में, वो सब चीज को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये अधूरी कार्यवाही करके वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त ने सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहे कि ठेंगा दिखाया तो भी कह सकते हैं। हालांकि नीलम निजाई को अभी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, जबकि कौस्तुभ तोमरे की पोस्टिंग प्रभाग जी से हटा के प्रभाग समिति सी में उद्यान विभाग में कर दी है। और तीसरा एक कर्मचारी विजय नड़गे, उसकी तो बदली भी नहीं हुई। यानी कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका आयुक्त पूरी तरह से इस मामले को सिर्फ पर्दा करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। आपको मालूम है पिछले दिनों कई सवाल कौस्तुभ तोमरे के ऊपर उठे हैं, कौस्तुभ तोमरे की पहले की बदलियां भी कई सवालों के घेरे में रही है। पहले एक बार जब कौस्तुभ तोमरे उद्यान विभाग में थे, उद्यान से इनको अतिक्रमण वाली में लाया गया, वहां से कुछ समय बाद इनका तबादला किया था, गया था वालियो डंपिंग ग्राउंड में। लेकिन कुछ ही दिनों में डंपिंग ग्राउंड से फिर कौस्तुभ तोमरे अनाधिकृत अतिक्रमण डिपार्टमेंट, अनाधिकृत बांध का विभाग के जूनियर इंजीनियर बनके बैठे हुए थे। ऐसे कई लोग आरोप लगाते रहे कि कौस्तुभ तोमरे के काफी बड़े लिंक है। आज इस सुबह जब आदेश नहीं आया था, उसके पहले ही शिवसेना के एक नेता दिवाकर सिंह ने कई गंभीर आरोप हमारे चैनल पे भी लगाए, उन्होंने पहले भी दूसरे चैनल को भी अपना बयान दिया है और मेरे चैनल पे भी आज उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। वो वीडियो आप आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कौस्तुभ तोमरे के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं कि करोड़ों की संपत्ति है इसकी, लग्जरी गाड़ियां हैं, फ्लैट है, तो यह सब आया कहां से? एक इंजीनियर होकर इतना धन अर्जित कहां से किया? तो इसकी जांच भी होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया गया। नीलम निजाई मैडम को प्रतीक्षा सूची में डाला हुआ है, लेकिन उनके पहले के सहायक आयुक्त जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। और विजय नड़गे जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही नहीं हुई। उसके पहले कहीं पहले मैं आपको यह बता चुका हूं कि विजय नड़गे एक ही बिल्डिंग का उन्होंने दो बार पंचनामा किया और उसके बावजूद वो बिल्डिंग दो माला से चार माला हो गई, अनाधिकृत बिल्डिंग। तो इस तरह से ये लोग अनाधिकृत बांध काम को पूरी तरह से
एक माने में संरक्षण देते आए हैं, उसके बावजूद इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है और आज जो कार्यवाही वो नाकाफी है। अब सवाल यह है कि पसाई विरार महानगर पालिका आयुक्त इन सभी तमाम जितने भी अफसर है जो जिम्मेदार है उस घटना के लिए, दो लोगों की मौत के लिए, इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कब करेंगे, इनके खिलाफ गुनाह कब दाखिल करेंगे? और दो ही मौत नहीं, आने वाले समय में ऐसे बड़े हादसे और भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जमीन वगराल पाड़ा जो है वो पूरा का पूरा आज चालियों से भरा हुआ है। कुछ दिखावे की तोड़क कार्यवाही अभी कुछ दिनों में हुई है लेकिन वो काफी नहीं है, और तोड़क कार्यवाही करके भी महानगर पालिका ने गरीबों का नुकसान किया है सिर्फ, न किसी भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है, यहां तक कि भूमाफिया के खिलाफ भी गुनाह दर्ज नहीं हुआ, गुनाह ऐसे शख्स के ऊपर दर्ज किया गया जो कि मृत है। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका की पोल लगातार खुलती जा रही है और आज उसमें सिर्फ बदली करके इस पर मोहर लगा दी। इनके निलंबन की लगातार मांग हो रही थी, इनके सेवा से बर्खास्त करने की मांग हो रही थी। वस्तु तोमूरे एक ठेका कर्मी होने के बावजूद उसको बर्खास्त नहीं किया जाना कहीं ना कहीं संदेहजनक लगता है। देखिए दिवाकर सिंह क्या क्या अपने बयान में कह रहे हैं, सुनिए आप आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सिंह साहब बताइए, आपने पिछले कुछ दिनों पहले महानगर पालिका इंजीनियर कास्तुभ तामोरे की बदली को लेकर कुछ पत्र व्यवहार किया था महानगर पालिका आयुक्त से, क्या विषय है बताइए? विषय कैसे यहाँ पे क्या चालू है, आपको तो मालूम जी विभाग में अनलीगल पुर्णा चालू है बरो, तो उस हिसाब से हम लोगों ने कि ये बिल्डर के साथ में मिलके मिलजुल करते है काम, ये आज जी विभाग में इतना अनलीगल चालू है। आज के डेट में भी आप जाके देखेंगे ना, सब आशीर्वाद किस है, कौस्तुभ तो मोरे का आशीर्वाद है बिल्डर लोग के ऊपर कि ये सब अनलीगल चल रहे। आज राजौली की घटना देखे आप, राजौली की घटना देखिए आप, दो आदमी की मृत्यु हो गई तो कौस्तुभ तो मोरे पर गुनाह दाखिल क्यों नहीं हुआ? मैंने तो मांग नहीं किया था गुनाह दाखिल, जो इंजीनियर उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? नहीं, आपने जो बदली का पत्र व्यवहार किया था वो कब किया था? और मैंने कम से कम 2 महीना हो गया उस चीज का, पत्र व्यवहार का 2 महीना। अगर हो सके, अगर साहब लोग अगर ध्यान दिए रहते थे, अगर उपायुक्त इस पे ध्यान दिए रहते, आशीष पटेल अगर ध्यान दिए रहते थे ना, तो घटना भी घटती नहीं, क्योंकि अगर दूसरा कोई इंजीनियर आता तो कुछ तो सही से काम करता था। अच्छा, एक कौस्तुभ तोमरे पहले उद्यान विभाग में था, वहां से वायु अतिक्रमण आया, फिर वायु अतिक्रमण से इसको डंपिंग ग्राउंड में डाला गया था, डंपिंग ग्राउंड से फिर अतिक्रमण में आया, इस बारे में कुछ यही अनियमितता लगती है आपको? हाँ, अनियमितता ये नहीं सर, वो जो उनका जो प्रवक्ता जो बोलते है उसमें कहाँ बैठ रहे हैं तोमरे की इंजीनियर बने हो, 12वीं की ये थी के उन्होंने ये किया, लेकिन जो महानगर पालिका के नॉर्म से जो कॉन्ट्रेक्टर ने, ये कॉन्ट्रेक्टर बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पे, तो कॉन्ट्रेक्टर ने निकाला था कि भाई ये चाहिए अपने को, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं उसमें, ये कौन से हिसाब से इंजीनियर है ये? जब बगैर एक्सपीरियंस वाले को, कॉन्ट्रेक्ट वाले को आप रखोगे तो यही हाल होगी। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो अपन नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन कैसे है मालूम है क्या, ये सब ऊपर से मिली जुली सरकार है, अब ये क्या कमा के किसको क्या देता रहेगा मालूम नहीं, क्योंकि आज बताइए ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंजीनियर, इसका पगार 30 से 35 हजार होगी, ज्यादा से ज्यादा 30 हजार या 35 हजार होगी। आज 35 लाख की गाड़ी 2 व्हीलर, इसके पास 4 व्हीलर, 3.5 करोड़ की फ्लैट, ये सब कहाँ से आया? ये आप आरोप लगा रहे हो कि आपके पास सबूत है? नहीं, वो तो फेसबुक पे उसका आप चेक करो ना, सब चीज आपको मालूम पड़ जाएगी। क्या मांग है? मांग इस बात एकदम निलंबित ही किया जाए अगर महानगर पालिका इस मांग पर, और सबसे पहले राजौली की घटना में इसके ऊपर गुनाह दाखिल करके इसको निलंबित किया जाए, और जितना जिम्मेदार कौस्तुभ तोमरे उतना ही जिम्मेदार विजय नड़के, तो उसके बारे में क्या कहना? विजय नड़के उनके नीचे के काम करते, अधिकारी जैसे ऊपर के अधिकारी जिसको आप जो मेन ये था कौन, विजय नड़के पानी के डिपार्टमेंट में थे, विजय नड़के अभी ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना पहले उसने ये ज्वाइन किया अतिक्रमण, लेकिन ये तो कब से अतिक्रमण में है जी विभाग में, साल भर से, 1.5 साल के आसपास से, ऊपर से 2 साल से। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।